नमस्कार आप देख रहे हैं इन लाइव मेरा नाम है काजल तिवारी सातवें यानी आखिरी चरण में बिहार की आठ लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई जिसमें पटना साहिब पाटलिपुत्र काराकाट बक्सर सासाराम आरा नालंदा और जहानाबाद सीट शामिल है इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि किन सीट पर किस प्रत्याशियों को ज्यादा बढ़त मिला है हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पवन प्रकाश सर सबसे पहले हम पटना साहिब सीट से शुरुआत करेंगे पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद को अंशुल अभिजीत टक्कर दे रहे हैं कैसा मुकाबला है पटना साहिब में देखिए पटना साहिब में कोई मुकाबला बहुत बड़ा नहीं है इसमें एन को क्लियर मतलब बढ़त है यहाँ से लगातार भाजपा ही जीतती रही है और इस बार भी कोई इसमें क्राइसिस नहीं है कि अंशुल अभिजीत यहाँ से बहुत टक्कर दे पाएंगे इसका रीज़न ये है कि अंशुल अभिजीत यहाँ के हैं भी नहीं कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत काम नहीं किया है कांग्रेस का यहाँ संगठन भी कमज़ोर है आर के पास भी यहाँ मजबूत संगठन नहीं है ले देकर वो बस यहाँ पर काम चलाऊ एक उम्मीदवार है हालाँकि अंशुल अभिजीत छोटा नाम नहीं है वो मीरा कुमार के बेटे हैं लेकिन ये सीट पर वो बहुत कमाल दिखा पाएंगे इसकी गुंजाइश बहुत कम है पटना एक बार फिर रविशंकर प्रसाद का ही चांसेस जो है वो ज्यादा है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र में मिशा भारती के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया गया राहुल गांधी तक उनके लिए सभा करने के लिए आए क्या लगता है कि इस बार मिशा का पलड़ा भारी पड़ रहा है राम कृपाल यादव पर निश्चित तौर पर मिशा भारती ने ऐसा नहीं है कि मिशा भारती के पास इस बार पलड़ा भारी है वो पिछला दो चुनाव जो हारी हैं वो उसमें मार्जिन बहुत कम रहा थी तीस हज़ार चालीस हज़ार पचास हज़ार के वोट से उससे कम ही मार्जिन से वो जीत मतलब हारी हैं और रामकृपाल जीते हैं तो इस बार भी टक्कर वैसी ही है उम्मीद भाजपा ये कर सकती है कि शहरी वोटर्स क्या उनको लाभ मिले या गांव में भी जो उनके अलग अलग कास्ट इक्वेशन के हिसाब से वो मतलब जो वोटर उनके हिस्से में आए हैं उनको वो आगे बढ़ाएं लेकिन क्या है कि इस बार भी राम कृपाल के साथ दिक्कत ये है कि भाजपा और मतलब एनडीए जो है एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा सका है नरेंद्र मोदी ने उनके लिए सभा जरूर की है लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा है आज भी वहाँ पर नेक टू नेक फाइट है जिसमें कोई भी निकल सकता है ये भी हो सकता है कि पिछले दो चुनावों की तरह इस बार रामकृपाल निकल जाए मार्जिन वही रहेगा कम रहेगा या फिर उतने ही मार्जिन से मीसा भारती लीड कर जाए तो दोनों में से कोई भी जीतेगा बहुत चौंकाने वाला इसमें रिजल्ट नहीं होने वाला है लेकिन ये नहीं कह सकते हैं क्लियर क्लियर कि ये मतलब ये ही जीतेंगे या मीसा भारती ही जीतेंगे ये भी नहीं कह सकते हैं और रामकृपाल ही जीतेंगे ये भी नहीं कह सकते हैं आरा सीट में आर के सिंह के सामने अभी कम्युनिस्ट पार्टी के सुदामा प्रसाद यादव को उतारा गया है आरा में कैसी लड़ाई है इस बार आरा सीट मतलब पिछले बार की तरह नहीं है पिछले बार जो आर के सिंह हैं वो अच्छे मार्जिन से जीते हैं और बढ़िया मतलब उनका काम रहा है लोगों को लोग उनको उनके काम के कारण जानते हैं केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने आरा के लिए जो जो काम किए हैं वो बेनिफिशियल यही एक रीज़न है कि आर के सिंह की सीट जो है वो एक सेफ सीट मानी जा रही है भाजपा के लिहाज से लेकिन टकराव बहुत है उसका रीज़न ये है कि वहाँ से इस बार महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बदला है पहले राजू यादव को दिया था डायरेक्ट फाइट हो गया यादव वर्सेस राजपूत इस बार वो चीज़ नहीं है इस बार सुदामा प्रसाद को वोट दिया गया सुदामा प्रसाद का उतरना एक थोड़ा सा कुछ ऐड कर सकता है लेकिन जीत की तरफ सुदामा प्रसाद नहीं दिख रहा कारा काराकाट लोकसभा सीट की चर्चा करेंगे काराकाट में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा है महागठबंधन ने राजा राम सिंह को उतारा है लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रत्याशी की हो रही है वो है पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में है पवन सिंह का अचानक काराकाट के चुनावी मैदान में उतर जाना कितना प्रभावशाली है बहुत प्रभावशाली है निश्चित तौर पे पवन सिंह के उतर जाने से उस सीट का पूरा समीकरण उलट मतलब बदल गया है पहले ये माना जा रहा था कि वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा आराम से निकल जाएंगे पहले भी वहाँ से जीते रहे हैं एन डी का फोर्स उनके साथ था लेकिन क्या है कि पवन सिंह के उतर जाने के कारण राजपूतों का एग्रेशन गया यूथ का एग्रेशन गया जो वो पवन सिंह की तरफ मुड़ा है वो एनडीए की तरफ नहीं आया है एन को जो भी और ये प, ये भी है कि पवन सिंह को जो वोट मिल रहा है वही एन को भी मिलना था लेकिन पवन सिंह के एंट्री कर जाने से एन को वहाँ नुकसान हुआ है तो संभावना ये भी लोग बता रहे हैं कि पवन सिंह की पॉपुलैरिटी इतनी अधिक है तो कि वो चुनाव जीत जाएँ तो आश्चर्य नहीं होगा लेकिन लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं होता निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर आपका स्टार्डम जरूरी नहीं है कि काम कर जाएगा ऐसा नहीं है कि पहले लोग निर्दलीय नहीं जीते हैं दिग्विजय सिंह जीते हैं ओम प्रकाश यादव सिवानझा जीते हैं लेकिन पवन सिंह उतना बड़ा नाम नहीं है या वैसा कुछ फोर्स नहीं है इसके बावजूद उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये सीट फंसा दी है तो अगर पवन सिंह निकल जाते हैं तो ठीक नहीं तो ये सीट जा सकती है महागठबंधन के बारे में सर लेकिन पवन सिंह की जो चुनावी सभाएं हो रही है उसमें तो भीड़ काफ़ी संख्या में मतलब इतने लोग जुट रहे हैं जितना कि उपेंद्र कुशवाहा के किसी भी शो में नहीं देख किसी भी चुनावी सभा में नहीं देखा गया पवन सिंह चुनावी सभा में जो भीड़ उमड़ रही है वो चुनावी सभा ना भी करते तो उनके आने से ही उतनी भीड़ आ सकती है वो अगर आरा कोर्ट में पे अपनी पेशी के लिए आते हैं तो भी भीड़ जम जाती है वो भीड़ के ही आदमी हैं यानी कि पॉपुलर कल्चर के वो हैं ठीक है उनका जो हिसाब किताब है वो फिल्मी है म्यूजिकल है उस हिसाब से उनकी पहचान है लेकिन अभी वो जब नेता बन गए हैं तो वो भीड़ भी उनके साथ आ रही है जो जरूरी नहीं है कि काराकाट कार की वोटर भी है लेकिन ये भी नहीं है कि सभी लोग बाहर से ही हैं भीड़ वहाँ है लोगों के बीच में उनकी पहुँच हो चुकी है और ठीक ठाक पहुँच बन गई है तो जो पहुँच बन गई है तो जाहिर सब तौर पर भीड़ आएगी महिलाएँ उनसे आ, मतलब उनको देख ये अट्रैक्ट होती हैं कि हम आ रहे हैं पवन सिंह से मिल रहे हैं देख रहे हैं पवन सिंह भी भीड़ में बिल्कुल घुस प्रचार कर रहे हैं इसलिए उनको फायदा है निश्चित तौर पर फायदा है लेकिन फायदा चुनाव उनको जिता ले जाएगा इसमें थोड़ी मुश्किल है ये हो सकता है कि पवन सिंह जीत भी जाए लेकिन मार्जिन कम रहेगा अगर नहीं भी जीतते हैं तो एनडीए के लिए वो सीट मुश्किल कर जाएंगे सातवें चरण में जहानाबाद लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई जहानाबाद में जहां जदयू ने चंद्रेश्वर प्रसाद को उतारा है वही राजद की तरफ से सुरेंद्र यादव उतारे गए हैं लेकिन इसी के बीच एक और प्रत्याशी है जिनके आने से ये चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है वो है अरुण कुमार अरुण कुमार बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है सर अरुण कुमार इन दोनों प्रत्याशियों के वोटिंग बैंक पर कितना असर डालेंगे अरुण कुमार के उतरने से पहले भी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के लिए ये सीट मुश्किल मानी जा रही थी पिछले बार जो उनके जीत का मार्जिन था वो 2000 वोट से भी कम था अब इतने कम मार्जिन से अगर कोई आदमी लोकसभा चुनाव जीते तो अगले चुनाव में ये मान के चला जाता है कि वो हार ही जाए हार ही सकता है तो इस चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के लिए पहले मुश्किल पहले भी थी अरुण कुमार के खड़े होने से एडाउन ऑन ये हुआ कि अगर बसपा बसपा के जो भी कोर वोटर्स हैं अगर वो बसपा को वोट करते हैं प्लस अरुण कुमार भूमिहार जाति से हैं तो भूमिहार भी उनको वोट करते हैं तो फिर कहाँ एन जीत कैसे पाएगा भूमिहारों के भरोसे वहाँ जीतना है मतलब यादव तो जी उनको वोट दे नहीं रहा है मुसलमान भी उनके तरफ आ नहीं रहा है तो मेजर एक ऐसा है भूमिहार वोट जो अपने साथ दूसरी जातियों के वोट को भी ऐड कर सकता था वो इस बार अगर उनके लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के लिए लड़ाई बहुत मुश्किल है नामुमकिन नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है और इतनी मुश्किल है कि रिजल्ट उनके लिए ही हो सकता है बक्सर लोकसभा सीट की बात करेंगे बक्सर में मुकाबला बहुकोणीय है क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। ददन पहलवान हैं आनंद मिश्रा हैं बीजेपी की तरफ से मिथिलेश तिवारी हैं और राजद से सुधाकर सिंह हैं सर बक्सर में इस बार कई दिग्गज उतर गए चुनावी मैदान में क्या लगता है जनता किसे अधिक समर्थन देने वाली है इस बार भाजपा के लिए वहाँ थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई है उन्होंने फ्लाइंग कैंडिडेट के तौर पे उतार दिया मिथिलेश तिवारी को जो गोपालगंज के विधायक रहे हैं बैकुंठपुर सीट से तो मिथिलेश तिवारी वहाँ सीधे पहुँचे हैं जो बाहरी का तमगा उन पर लगा हुआ है लास्ट मोमेंट में उनकी एंट्री हुई है जबकि चार साल से आनंद मिश्रा वहाँ उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें एश्योरेंस भी था भाजपा की तरफ से उनका दावा है कि एश्योरेंस है कि भाजपा से टिकट मिला है लेकिन टिकट मिला नहीं रीजन्स जो भी हों भाजपा के लिए ये मुश्किल है कि उनका जो कैंडिडेट है वो आखिरी मौके पर एंट्री हुआ है अभी जो मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे हैं केंद्रीय मंत्री रहे लेकिन उनका टिकट कट गया तो उनके प्रति जिन जो लॉयल होंगे हो सकता है वो मिथिलेश तिवारी के प्रति लॉयल ना हो ये भी हो सकता है कि चार साल से आनंद मिश्रा जो काम कर रहे हैं और आनंद मिश्रा की जो स्ट्रेटजी है वो भी बीजेपी वाली की है तो बीजेपी के कुछ लोगों को अपने हिसाब से अट्रैक्ट कर लिया युवाओं में उनको उनके प्रति ज़्यादा आकर्षण है उसका रीज़न ये है कि वो एक आईपीएस ऑफिसर थे समकाटर के आई ऑफिसर थे तो वहाँ से आने के बाद से अगर वो पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक पढ़ा लिखा आदमी एक पोजिशन होल्ड करने वाला आदमी अगर पॉलिटिक्स में आता है एमपी बनने की कोशिश करता है तो यूथ उससे जुड़ता है तो यूथ को जोड़ने में आनंद मिश्रा कामयाब रहे तो लड़ाई सुधा, में सुधाकर सिंह जो आरजेडी के हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफत करके मतलब अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बना चुके सुधाकर सिंह फायर ब्रांड लीडर टाइप से वो उभरने लगे थे अभी भी उनकी वही पहचान है तो नीतीश कुमार की खिलाफत करने का लाभ सुधाकर सिंह को मिला है और अगेंस्ट नीतीश के सारे वोटर्स उनके तरफ जा रहे हैं जो भी लोग नीतीश को नापसंद करते हैं वो उनके तरफ जा रहे हैं भाजपा अपने बूते कितना ले आ पाएगी जबकि आनंद मिश्रा उनके खिलाफ है अश्विनी चौबे साइलेंट है साइलेंट नहीं भी हैं तो बहुत वोकल नहीं है तो मिथिलेश तिवारी बाहरी आदमी संगठन के आदमी जरूर हैं लेकिन संगठन से सिर्फ नहीं होता जनता को अपनी तरफ जोड़ना होता है तो भाजपा अपने बूते जितना ले आ पाए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जितना ला पाए और बाकी संगठन के हिसाब से जो लेके आ पाए वही मिलेगा भाजपा के लिए वहाँ राह बहुत मुश्किल है वहाँ सुधाकर सिंह ही आगे निकलते दिख रहे हैं नालंदा लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है वो सीट कहा जाता है कि नीतीश कुमार के लिए बहुत सेफ है वहाँ से किसी को उतार दे अगर नीतीश कुमार वो जीत जाएगा इस बार नीतीश कुमार ने कौशलेंद्र कुमार को उतारा है उनके सामने है लेफ्ट के संदीप सौरभ अचानक विधायकी के चुनाव लड़ने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ना वो भी नीतीश कुमार के प्रत्याशी के सामने कितना चुनौतीपूर्ण रहा वहाँ उनके लिए नालंदा सीट में बहुत स्कोप नहीं था संदीप सौरभ को उतारा गया ठीक है वो एक अलग कॉम्बिनेशन है कुर्मी बाहुल्य सीट है वो वहाँ यादव कैंडिडेट महागठबंधन ने दिया है संदीप सौरभ के साथ स्थिति ये है कि वो एक वो अपनी बात इस तरीके से कह सकते हैं कि वो जे के पास आउट हैं पढ़े लिखे हैं और एक नया विकल्प अच्छा विकल्प दे सकते हैं लेकिन ये बात उनकी मानेगा कौन जब उनके पास वोटर्स कम हैं वहाँ पे या महागठबंधन की बहुत चलती नहीं है वहाँ पर कौशलेंद्र कुमार एक तरह से बहुत कुछ नहीं करते हुए भी कौशलेंद्र कुमार जीतते रहे हैं तो उसके पीछे रीजन ये है कि लोग ब्लाइंडली उनको सपोर्ट करते हैं नीतीश कुमार का हाथ तो है ही तो बहुत मुश्किल नालंदा नहीं है वो अलग बात है कि उस समीकरण साधने के लिए जो कर लिया हो महागठबंधन ने फैसला किया हो संदीप सौरभ को किसी ना किसी को उतारना ही था तो अच्छा है एक अच्छा कैंडिडेट उतरा है जो यूथ है जो पढ़ा लिखा है जो अपने कुछ बातों को समझाना चाहता है सरकार में रहते हुए भी सरकार के खिलाफ बोलने की ताकत उसमें अगर दिखती है तो अगर सीट दी गई है वो लड़ रहा है तो वो अच्छा है उसको सपोर्ट मिला है मिलेगा भी लेकिन लोकसभा चुनाव में वो आदमी जीत जाएगा इसकी संभावना कम है संदीप सौरभ के लिए वहाँ लड़ाई फिलहाल मुश्किल है और कौशलेंद्र कुमार ही एक बार लग रहा है कि ये चुनाव जीत सकते हैं आखिर में बात करेंगे सासाराम लोकसभा सीट की सासाराम में भी इस बार बीजेपी ने छेदी पासवान का टिकट काट दिया है उनके जगह सीवीएस राम को चुनावी मैदान में उतारा गया है उनका भी राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है अच्छा खासा और सामने है कांग्रेस के मनोज कुमार सर सासाराम में क्या लगता है कि बीजेपी का जो दूसरा कैंडिडेट है वो सीट बचाने में कितना कामयाब होगा देखिए आरा बक्सर काराकाट का असर पड़ेगा सासाराम पे चारों सीरीज की सीटें हैं सासाराम चूँकि सुरक्षित सीट है छेदी पासवान का टिकट कट गया है क्योंकि उनके खिलाफ में भाजपा के खिलाफ में कोई भाजपा के इंटरनल रिपोर्ट में कुछ होगा ऐसा जिससे उन्होंने टिकट को काट दिया छेदी पासवान के मतलब बागी होने की भी खबर आई कि हो सकता था तो वहाँ से लड़ जाएँ वो चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं बसपा के जो मनोज कुमार थे उनको पिछले बार बसपा से वो लड़े थे और इस बार उन्होंने कांग्रेस का में एंट्री करके कांग्रेस से लड़ा तो लड़ाई वहाँ ठीक ठाक है काराकाट और बक्सर इन दोनों जगहों पर जो क्राइसिस हुई है वो उस क्राइसिस का इम्पैक्ट दिख रहा है सासाराम में वहाँ राजपूत वोटर्स शायद नाराज हो सकते हैं एनडीए से इसका नुकसान हो सकता है क्योंकि राजपूत वोटर्स ने काराकाट में पवन सिंह को वोट किया है तो सासाराम के लोग ये कहेंगे कि वो, अगर आप वहाँ पर हमारे एन को वोट नहीं कर रहे हैं तो हम आपके वोटर्स को आपके कैंडिडेट को यहाँ क्यों वोट करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कुशवाहा वोटर्स भी नाराज हो सकते हैं जो पूरे बिहार में दिख रहा है कि नाराजगी हैं एन से नाराज हैं यानी कि एक बड़ा चंक यहाँ से टूट कर निकला है और महागठबंधन में जाकर मिला है तो कुशवाहा भी नाराज़ हो सकते हैं कि आपने उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई फंसा दी तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को, को भी फंसा दिया पवन सिंह के कारण भी फंस गए तो फिर उसका असर अगल बगल की सीटों पर पड़ता है सासाराम के लिए लड़ाई इस बार आसान नहीं है दो बार छेदी पासवान जीत गया था इस बार छेदी पासवान भी नहीं है साइलेंट ही हैं कोई बहुत उन्होंने कुछ भाजपा के लिए कुछ किया नहीं है तो फिर इस चुनाव में तो फिर मुश्किल है लड़ाई कि अगर वो मोदी के चेहरे पर निकल जाते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर इस बार कांग्रेस वहाँ से एंट्री मार सकती है ये तीसरी मतलब दो चुनाव के बाद ये तीसरी बार होगा कि कांग्रेस वहां से आ सकती है लास्ट टाइम मीरा कुमार जीती थी उसके बाद से कोई कांग्रेस का वहां से जीता नहीं तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आखिरी चरण में किन सीटों पर किस उम्मीदवारों को ज्यादा बढ़त मिली है और कौन से उम्मीदवार इस चुनाव में बाजी मार सकते हैं बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद